डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। नमस्कार, डॉग टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद महाराजगंज। एसएसबी जवानों से ही नोकझोंक में हुआ बवाल। भीड़ को तितर बितर करने पहुंची कोतवाली पुलिस ने एसएसबी कैंप के पास किया हल्का बल प्रयोग। 5 युवक गंभीर रूप से घायल, कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने किया कोतवाली का घेराव। प्राप्त सूचना के आधार पर लक्ष्मीपुर खुर्द ठूठीबारी महाराजगंज नेपाल सीमा पर तैनात ठूठीबारी में एसएसबी जवानों से सीमा पार करने को लेकर ग्रामीणों से हुई कहासुनी को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एसएसबी जवानों ने कस्बे से कई लोगों को पूरी तरह से मारा पीटा, जिसमें 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय कस्बे के लोग उग्र हो गए और कोतवाली परिसर का घेराव कर सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 19/3/2022 दिन शनिवार को होली के मौके पर कस्बे के कुछ युवक पगडंडी रास्ते सहारे सीमा उस पार जा रहे थे। ड्यूटी पर तैनात एसएसबी जवानों ने उन्हें जाने से रोक दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। मामले को बढ़ता देख एसएसबी जवानों ने उक्त युवक को कैंप में बैठा लिया, जिसके बाद दर्जनों की संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा होकर एसएसबी कैंप के पास हंगामा करने लगे। सूचना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पता चला कि कस्बे के 5 युवक विशाल पुत्र प्रभुनाथ, बलराम पुत्र राजेंद्र, संतोष पुत्र रामप्रीत, सुरेश वर्मा पुत्र दुर्गा, आशीष पुत्र जंग बहादुर को बहुत ही गंभीर चोटें आई। किसी का हाथ टूटने की संभावना है तो किसी को गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी वजह से घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने कोतवाली परिसर का घेराव कर पुलिस प्रशासन और एसएसबी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस और एसएसबी जवानों ने उन्हें बेवजह मारा पीटा। मौके पर पहुंचे निचलौल क्षेत्राधिकारी डीके उपाध्याय ने आक्रोशित भीड़ को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया तथा कार्यवाही का आश्वासन दिया और उक्त सभी घायल युवकों को कोतवाली के गाड़ी से जिला अस्पताल महाराजगंज इलाज हेतु भेज दिया गया। इस दौरान थानाध्यक्ष संजय दुबे, निचलौल एसएचओ सुनील राय, परगदमा थानाध्यक्ष अजीत कुमार, एसओ चौक चौकी इंचार्ज लक्ष्मीपुर विजय द्विवेदी समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही। डॉग टाइम्स न्यूज के लिए महाराजगंज ब्यूरो सगीर अहमद अंसारी की रिपोर्ट। आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, बहुत अन्याय कर रहे हैं सर, आप बहुत गलत कर रहे हैं, इतने जान लीजिए बहुत गलत कर रहे हैं। वो पूछने के लिए आए ना आपसे कि क्यों मारे हैं। डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।